नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। वक्त सुपर फास्ट खबरों का होता है, लेकिन इस वक्त लुधियाना से बड़ी खबर। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? पहले बेअदबी और आज धमाका। लुधियाना जिला कोर्ट परिसर में धमाके के बाद पूरे पंजाब में अब हाई अलर्ट है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब गवर्नमेंट से पूरी रिपोर्ट मांगी है। लुधियाना बम ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें, लुधियाना ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल है। लुधियाना धमाके की जांच के लिए अब एनएसजी की टीम भी रवाना हो गई है। एनएसजी लुधियाना ब्लास्ट की जांच करेगी, जांच में पूरा सहयोग करेगी। और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी लुधियाना के लिए रवाना हो चुके हैं। चन्नी ने कहा कि बेअदबी के बाद ब्लास्ट एक साजिश है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट लिखा है, उन्होंने कहा कि पहले बेअदबी और आज धमाका। आखिर कौन है जो पंजाब की शांति को भंग करना चाहता है? हमारे सहयोगी पुनीत परंजा मौके पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना कोर्ट परिसर में, जहां पर अभी कुछ देर पहले ये जो है यहां पर धमाका हुआ है। और इस वक्त की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं यहां पर, तो इस पूरे एरिया को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। और ये सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये नई बिल्डिंग है कोर्ट की, और इसी के साथ सटे जो पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पर धमाका जो था वो हुआ था। और धमाका इतना जबरदस्त था कि इस बिल्डिंग की जो कांच थे वो टूट गए, और नीचे खड़ी गाड़ियां जो हैं वो इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उसके अलावा एक संदिग्ध जो है वो बताया जा रहा है कि इसमें जो बाथरूम में जिसकी डेड बॉडी, उसको संदिग्ध जो भी माना जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। उसके अलावा 4 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रहे हैं जो धमाका हुआ है। और ये सामने आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड की जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ठीक इसी के साथ दूसरी मंजिल पर बाथरूम के अंदर ये धमाका था वो हुआ है। और उसके चलते नीचे जो ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये जो है ये क्षतिग्रस्त इस धमाके में हुई हैं। वकील जो थे वो भी इस धमाके की चपेट में आए हैं, जो यहां पर काम करते थे। तो बहरहाल सुरक्षा में एक कड़ी चूक जो है ये बताई जा रही है, क्योंकि जब ये धमाका यहां पर हुआ, यहां पर बिल्कुल भी यहां पर किसी तरह की यहां पर सिक्योरिटी जो नहीं थी, ना ही किसी आने जाने वाले की चेकिंग यहां पर की जा रही थी। बहरहाल अब जरूर इस एरिया को यहां पर छावनी में तब्दील कर दिया हो, लेकिन धमाके से पहले, और हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास बकायदा इनपुट भी था, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार पंजाब के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद से लगातार हाई अलर्ट पहले ही थी, बावजूद इसके यहां पर आसानी से एक धमाका यहां पर को अंजाम दिया जाता है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी, लुधियाना। तो पंजाब में बेअदबी की कोशिश के बाद माहौल पहले से ही खराब है, और आप देख रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं, लुधियाना में डिप्टी सीएम है, और जो लोग घायल हुए हैं उनसे उनका हालचाल जान रहे हैं। हॉस्पिटल सीधे गए हैं, जो वहां पर सिविल हॉस्पिटल है जहां पर घायलों को लेकर जाया गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम पंजाब के वो पहुंचे हैं इस वक्त, और जो घायल हुए हैं लोग उनसे मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। आपको बता दें 12:15 के करीब आज लुधियाना का कोर्ट परिसर, जो पुरानी बिल्डिंग है उस कैंपस के अंदर, वहां पर तीसरी मंजिल पर ये ब्लास्ट हुआ। बाथरूम के अंदर बताया जा रहा है ब्लास्ट हुआ है। 2 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जबकि 3 से 4 लोग घायल हुए हैं, जैसा कि पुनीत परिंजा अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम इस वक्त घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने सुनाया था चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी रवाना हुए, कुछ ही देर में पहुंचेंगे वो भी लुधियाना में। तो ये धमाके की बात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले तो लुधियाना कोर्ट में जिस तरह से ये कोर्ट परिसर में तीसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ, कांच टूट कर नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर जा गिरे, कारों का क्या हाल हो गया, मलबा भी कुछ कारों पर गिरा है, काफी नुकसान उन्होंने कारों को पहुंचाया है। पंजाब में बेअदबी की कोशिश के बाद माहौल पहले से ही टेंशन वाला था, तनावपूर्ण था। अब ब्लास्ट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। पंजाब पुलिस ने तमाम जो धार्मिक स्थल हैं और जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाने की डायरेक्शंस दे दी हैं। पुलिस की कई टीमें कोर्ट परिसर में धमाके की जांच कर रही हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, एनआईए की टीम वहां पर है, और अब एनएसजी की टीम भी वहां पर पहुंची है मदद के लिए, क्योंकि जांच जिस तरह से चल रही है उसमें मदद के लिए एनएसजी की टीम भी रवाना हो गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ब्लास्ट के पीछे किसकी साजिश है, अब तो जैसी जांच होगी तो पता चल पाएगा। ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰੂਦ ਵਰਗੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਨੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਖਬਰ ਪਰ ਲੌਟਤੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਜ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਮੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁਆ, ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਮੇ ਦੋ ਲੋਗੋ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਬਕਿ ਤੀਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਘਾਇਲ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਾਸਪਿਟਲ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਸਪਿਟਲ ਜਹਾਂ ਪਰ ਘਾਇਲੋਂ ਕੋ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਉਨਕਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਮੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਸੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੁਨੀਤ ਪਰਿੰਜਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਪੁਨੀਤ, ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਘਾਇਲੋਂ ਕਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਕਿਆ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखिए बहरहाल यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर वो बकायदा सब चीज़ों की जांच कर रही है कि क्या ब्लास्ट की वजह क्या थी, क्या इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल उसमें किया गया है। बहरहाल अगर मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर पूरे कोर्ट परिसर को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है और तमाम जो भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं और बकायदा जो अंदर जाँच जो है वो की जा रही है कि क्या वजह थी, किस वजह से यहाँ पर ब्लास्ट जो है वो हुआ है। और ये तस्वीरें जो हैं ये लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे जो एरिया को इस समय कॉर्डन ऑफ यहां पे कर दिया गया है। उसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। सीएम सिक्योरिटी यहां पर पहुंच चुकी है, थोड़ी देर में सीएम भी यहां पर खुद पहुंचने वाले हैं। तो बहरहाल अगर यहां की तस्वीरें यहां पर दिखाऊं तो यहां पर फिलहाल जो एक संदिग्ध की मौत हुई है उसी को आरोपी भी बताया जा रहा है, जिसको की बाथरूम। चलिए पुनीत, बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और अपडेट लेने के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम इस वक्त पहुंचे हैं, पूरी जगह का वो भी मुआयना कर रहे हैं, हॉस्पिटल गए थे और चरणजीत सिंह चन्नी यानी सीएम सिक्योरिटी पहुंच चुकी है कोर्ट परिसर में लुधियाना में और कुछ ही देर में सीएम चन्नी भी वहां पहुंचेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।